इन गर्मियों के मौसम के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट बाजार जैसी ठंडाई की रेसिपी। गर्मियों में ठंडे ठंडे दूध में इसे मिलाकर पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए एकदम मजेदार ठंडाई की रेसिपी शुरू करते हैं। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी के जार में आधा कप बादाम लेंगे और अब हम इसमें आधे कप से थोड़े से कम काजू डालेंगे। अगर आप चाहो तो बादाम के जितने ही काजू की क्वांटिटी ले सकते हो। और इसके साथ ही हम यहाँ पे 1/4 कप पिस्ता डालेंगे। पिस्ता आप यहाँ पे सॉल्टेड या फिर अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हो। और अब मैं यहाँ पे 1/4 कप ये मेलन सीड्स डाल रही हूँ, जिसे मगज भी कहा जाता है। अब इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी मिला लेंगे, इससे ना इसको पीसने में आसानी रहेगी। अब हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है, लेकिन हमें इसे एकदम से नहीं चलाना है, इस तरह से हमें पल्स में चलाना है। मिक्सी को हमें इस तरह से रुक रुक के चलाना है। हम इसे एकदम से चलाएंगे तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें से ऑयल रिलीज होगा, तो फिर हमारा ये ठंडाई पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए पाउडर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और अब ठंडाई के लिए हमें दूसरा पाउडर तैयार करना है। तो इसके लिए हम मिक्सी के जार में 3 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स या फिर खसखस डालेंगे। और अब इसमें हम 15 से 20 जितने इलायची डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये 6 से 7 केसर के स्ट्रिंग्स डाल देंगे। मैंने ना गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छे से धो के उसको सुखा दिया था, ये 2-3 दिन में अच्छे से सूख के ड्राई हो चुकी है। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें ना जरा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल देंगे। और अब इन मसालों को भी हम पल्स में ही पीस लेंगे। तो देखिए इसका फाइन पाउडर मैंने कर लिया है। ठंडाई का असली टेस्ट इसी मसाले से ही आता है। तो इस मसाले को हम पहले वाले मसाले के साथ ही अच्छे से मिला लेंगे। तो ये दोनों पाउडर को मिक्स करके अच्छे से हमें मिला लेना है। इस ठंडाई पाउडर को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपका मन करे इससे इंस्टेंट ठंडाई बना के आप पी सकते हो। तो देखिए हमारा ठंडाई का मसाला तैयार है। तो इससे ठंडाई कैसे बनानी है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम एक बोल में 3 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर डालेंगे। ये मैं 1 ग्लास ठंडाई बना रही हूँ तो उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर डालना है। और अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, तो 1/4 कप जितना हम पानी मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हमें 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये जो पाउडर है अच्छे से भीग जाएगा ना, तो ठंडाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1-2 घंटे के बाद हम ये ठंडाई पाउडर को ग्लास में मिला लेंगे और इसके ऊपर हम एकदम ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। अच्छे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में हमें ये ठंडाई बना के ज़रूर पीनी चाहिए और ये ठंडाई पीने में एकदम हेल्दी है, तो आप बच्चों को भी पिला सकते हो। अगर आपके पास पाउडर भिगो के रखने के लिए टाइम नहीं है तो आप दूध में पाउडर को मिला के इंस्टेंट बना के भी पी सकते हो। तो देखिए हमारी ठंडाई तैयार है, तो ऊपर से ये गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों इन गर्मियों में ये ठंडाई बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।